असलम तो हाई गाइज़ फाइनली वी आर पैक विद अनदर ई बे कोर्स तो आज का जो हमारा पर्टिकुलर टॉपिक है वो है ई बे ऑर्डर प्रोसेस जिसमें हम लोग ई बे का जो ऑर्डर प्रोसेस किया हुआ है उसकी शिमेंट भेजेंगे कि हम लोग थ्रू यू के कुरियर सर्विस एज़ मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में मैंशन किया कि हम लोग रॉयल मिल्क की सर्विस यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग सीखेंगे कि इस तरह हम लोग रॉयल मिल्क का कुरियर यूज़ करते हुए अपना ऑर्डर प्रोसेस कर सकते हैं सो so, सबसे पहले आप लोग जाएंगे रॉयल मेल के अकाउंट पे जिसमें हम लोग अपना रॉयल मेल का जो हमारा बिज़नेस अकाउंट है उस पर हम लोग अपना ऑर्डर को प्रोसेस करेंगे शिप करेंगे बेसिकली जो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि वो है हमारे पास अगर हम लोग रॉयल मेल के पार्टसेस की बात करें तो हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं जिस तरह मैंने प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया था कि हमारे पास लार्ज लेटर लेटर एंड पार्ट सॉरी पार्सल आता है जो हमारे पास लार्ज लेटर होता है वो हमारे पास अढ़ाई सौ ग्राम में भी जाता है और साढ़े सात सौ ग्राम में जाता है जो हमारे पास लेटर होता है वो हंड्रेड ग्राम तक का होता है और जो हमारे पास पार्सल होता है वो ज़ीरो टू वन के जी होता है ठीक है अब ये देखें जी हम रॉयल मार्स रॉयल मेल के पास एक पर्टिकुलर पैरामीटर होता है जिसमें वो अपना एक जिसमें आप लोगों की एक पर्टिकुलर थिंग को गुजारते हैं तो वो एक कंसीडर उस पर्टिकुलर नीच में होती है लाइक like हमारे पास जो अभी इसी पिक्चर को ले लें कि अगर हमारे पास जो एक प्रोडक्ट है वो हमारा जिस छोटी सी लाइन आप लोगों को नजर आ रही है रेड कलर के अंदर जो वाइट कलर की लाइन है ठीक है अगर इसके अंदर वो मूव ऑन होगा तो वो हमारे लेटर में कंसीडर होगा अगर वो ऊपर वाले अगर इसमें मूव मतलब वो पास थ्रू नहीं हो रहा तो वो हमारे पास लार्ज लेटर में कंसीडर होगा उससे भी ज़्यादा उसकी मतलब हाइट है तो वो हमारे पास स्मॉल पार्सल में कंसीडर होगा ठीक है तो आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास वो पिक्चर है ठीक है तो देन हम लोग अगर मूव ऑन करते हैं तो हमारे पास जो रॉयल मेल का जो अकाउंट है वो एक पर्टिकुलर बिजनेस अकाउंट होता है या एक पर्सनल अकाउंट होता है जो आप लोग यूज़ करते हैं इन माई केस आई हैव बिजनस अकाउंट तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ये रॉयल मेल की वेबसाइट का इंटरफेस है आफ्टर लॉग तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ये चार स्टैटिक कंटेंट नजर आ रहे हैं आप लोगों के पास डैशबोर्ड ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स एंड रिपोर्ट्स का दैन आप लोग नीचे मूव ऑन करते हैं तो हमारे पास दो तरह के ऑप्शन है लेट्स गेट स्टार्टेड जिसमें हम लोग क्लिक करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे आप लोग अपनी शिपिंग लेबल की जो फॉर्मेट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं लाइक आप लोगों ने इस पर क्लिक करता है आप लोग देख सकते हैं आपके पास आप अपना लेबल की फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं यानी कि ए फोर साइज़ चाहिए या सिक्स छः बाई चार का चाहिए या आप लोग उसके जो डिस्पैच फॉर्मेट है उसे चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से उसे मैनेज कर सकते हैं ठीक है देन हम लोग मूव ऑन करते हैं तो आप लोग यहाँ से अपने लेबल्स वगैरह से प्रिंट आउट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर मैनेजिंग स्ट्रेटजी के थ्रू अगर आपका कोई शॉपिंग स्टोर है या ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर है तो आप रॉयल मेल को उसके साथ इंटीग्रेट भी कर सकते हैं तैन आप लोग एडवांस इंट्रोडक्शन पर जाते हैं तो यहाँ हमारे पास इम्पोर्ट ऑर्डर का सेक्शन आता है जहाँ पर आप लोगों ने जो एक्सल एक्स लास्ट टाइम हम लोगों ने जो शीट बनाई हुई थी उसको यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे और दैन अपना ऑर्डर प्रोसेस करेंगे बाकी जो हमारे पास क्यूरी चीज़ें हैं उसमें हम लोग अपना ये सारी मैनेजिंग के रिलेटेड है कि आप अपना लेबल को किस तरह मैनेज करना चाहते हैं तो हम लोग चलते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं गो के ऊपर और यहाँ पे हम लोग करते हैं अपलोड फाइल वो हम लोगों से पूछेगा आप लोगों ने कौन सी फॉर्मेट में करना है हम लोगों ने एक्स एल एस एक्स में करना है क्योंकि हम लोगों ने लास्ट टाइम वही क्रिएट की थी ये हमारे पास टेस्ट वाला ऑर्डर था हम लोग इसी ऊपर क्लिक करेंगे ये हमारे पास देखेंगे वो शो हो, हो रहा है ठीक है दैन हम लोग अब ओके पे क्लिक करते हैं अब ये देखिए हमारे पास रॉयल मेल के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम लोगों ने फुलफिल करना होता है कि ये चीज़ें ज़रूर मैंश्ड हों तभी आपकी जो कुरियर सर्विस है वो वर्क करेगी प्रोसीड करेगी आपका लेबल देखिए आप लोगों के पास शिपिंग ने एड्रेस होना चाहिए उसका नेम होना चाहिए और उसकी सिटी होनी चाहिए एंड उसका पोस्ट कोड होना चाहिए बाकी ये जो चीज़ें हैं ये आप लोग अपनी आसानी के लिए बनाते हैं कि हम लोगों ने किया एक्जैक्टली अपने लेबल पे लेके आना है ताकि हम लोग अपना ऑर्डर आसानी से प्रोसेस कर सकें तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप लोगों ने अपनी सिटी नहीं दिखानी बाहर का नेम नहीं दिखाना तो आप लोग उसे कटआउट भी कर सकते हैं दिखाना है तो दिखा सकते हैं ऑर्डर रेफरेंस दिखाना है दिखा सकते हैं इसको कैंसिल कर सके नहीं भी दिखा सकते इसे मैं कैंसिल करता हूँ तो देखिए ये ऑर्डर प्रोसेस यहाँ पर अगर दिखाना है तो आप लोग उस पर क्लिक करके ऑर्डर को प्रोसेस भी कर सकते हैं बेसिकली ये चीज़ें मैंडेट्री हैं ये आप लोगों ने लाजमी दिखानी है अदरवाइज़ बाकी चीज़ें आप लोगों को मतलब देना चाहते हैं मकर रखना चाहते हैं अपनी आसानी के लिए जो चीज़ें वो रख सकते हैं मैं आप देखिए यहाँ पे एस क्यू वगैरह नहीं है तो वो मैं अपनी आसानी के लिए मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ताकि मुझे पता चल सके एग्जैक्टली मेरे लेबल पर कौन सी चीज़ मैंने सेंड करनी है उन्हें ठीक है दैन हम लोग करेंगे इसके बाद इंपोर्ट ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग ऑर्डर इंपोर्ट हो चुका है आप लोग यहाँ पे सी बैच पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा एग्जैक्टली आपका ऑर्डर कितने हैं देखिए हमारे पास एक ही ऑर्डर है तो यहाँ पे यह हमारा बिजनेस अकाउंट का नेम है जिस पे बना हुआ है देन हम लोग यहाँ पर बैच ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे जो हमारा ऑर्डर है ठीक है हम उसके ऊपर करेंगे गो अप्लाई पोस्टेज के ऊपर देखिए हमारे पास ये उसका ऑर्डर नंबर है उसकी डेट है ये कस्टमर हमारे पास आतिफ रखा उसका पोस्ट कोड आ रहा है ये वेट और ये शिपिंग सर्विस हम लोग आगे नेक्स्ट टाइम में सेलेक्ट करेंगे दैन हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे ठीक है अप्लाई पोस्टेज के ऊपर गो करेंगे ठीक है गो करने के बाद ये हमसे पूछेगा कि हमारे पास जो आपकी थिंग है जो चीज़ आप लोग सेल करना चाह रहे हैं सेंड करना चाह रहे हैं उसका एग्जैक्टली वेट क्या है अभी देखिए हमारे पास ये ना उसने टू पैक टेम्पर ग्लास हम लोग इसलिए तो ऑलमोस्ट हमारे पास इसका वजन होगा वन ट्वेंटी ग्राम अभी ये देखिए ये उसने ऑटोमेटिकली सेंड कर दिया कि आप लोगों का ये चीज़ लार्ज लेटर में जाएगी लेटर में क्यों नहीं जाएगी क्योंकि मैंने आपको बताया था ये मैक्सिमम हंड्रेड ग्राम तक सपोर्ट करता है पार्सल में भी आप लोग सेंड कर सकते हैं लेकिन हम लोग पार्सल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम अगर हम पार्सल में सेंड करेंगे तो भाई ये अपने साथ ही ना हम लोग एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं तो हम लोग लार्ज लेटर को ही कंसिडर करेंगे ठीक है देन हम लोग मूव ऑन करते हैं नीचे तो हम लोग रॉयल मेल की 24 सर्विस को यूज़ करना चाह रहे हैं या 48 एट ये अब आपको डिपेंड करता है कि आप लोग रॉयल मेल की कौन सी सर्विस स्पीड को यूज़ करना चाह रहे हैं मैंने इन माई केस मैंने रॉयल मेल ट्वेंटी दे रहा हूँ अपनी लिस्टिंग में तो मैं ये सिलेक्ट करूँगा ठीक है देन हम लोग नीचे मूव ऑन करते हैं एंड हम लोग नेक्स्ट को प्रोसेस को अप्लाई करते हैं अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें हमारे पास ये पोस्टेज अप्लाइड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ रहा है लेफ्ट बॉटम पे ठीक है नज़र आ रहा है आपको देन हमारे पास ये देखिए हमारे पास ऑर्डर नंबर आ गया हमारे पास कस्टमर का नाम आ गया शिपिंग पोस्ट कोड आ गया कंट्री आ गई वेट आ गया साइज़ आ गया शिपिंग सर्विस आ गया देखिए लास्ट केस में भी वेट और शिपिंग सर्विस कह रहा था लेकिन अब हम लोगों ने वो सिलेक्ट कर लिया है तो ये रिजॉल्व हो चुके हैं देन आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर जनरेट लेबल्स क्या करेंगे अभी हमारे पास उसका लेबल लेके आएगा कि एग्जैक्टली एक्जैक्टली हमारा लेबल किस तरह दिखेगा जो हम लोगों ने उसकी चीज़ के साथ अटैच करना है और देन रॉयल मिल्क को ड्रॉप करना है वो ये प्रोसेस कर दिएगा उसका ऑर्डर अब देखें ये मैं रॉयल में ट्वेंटी फोर आवर आ गया ठीक है ये उसका ये यो उसका बार कोड है ये उसका बंदे का नाम जो मैंने अपनी सानी के लिए रखा हुआ था ये उसका पोस्ट कोड और ये देखें उसका हमारे पास ये चीज़ है हमारे पास उसका एस के यू उस चीज़ का उसने एग्जैक्टली क्या लिया है? ये हमारे पास कस्टमर रेफरेंस में मैंने खुद अपने आसानी के लिए लेवल लिया ताकि मुझे पता चल जाए कि उसको मैं ऑर्डर सेल्स रिकॉर्ड नंबर उधर पुट करूँ तो मुझे पता चल जाए कि ये कस्टमर ये कौन सा है उसका सेल्स रिकॉर्ड नंबर क्या है ये मैंने अपनी आसानी के लिए चीज़ें बनाई हुई हैं तो आप अपनी आसानी के थ्रू से कस्टमाइज़ कर सकते हैं अगर आप रॉयल मेल की कुरियर सर्विस को यूज़ कर रहे हैं अब देखिए रॉयल मेल की कुरज सर्विस का मैं एक और बताता चलूँ कि ये चार्जेज़ अपने अपने हिसाब से डिपेंड करता है कि वो आप लोगों को कितनी अपनी चीज़ के हिसाब से वो आप लोगों के चीज़ का कितना चार्ज कर रहा है ठीक है तो हर सिनेरियो में ये डिफरेंट भी हो सकते हैं देन आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारा लेबल जनरेट हो चुका है देन गो के ऊपर क्लिक करेंगे जो हमारा लेबल जनरेट हो चुका है वो हम वो ऑलरेडी हमारे हम लोगों ने अपना लेवल जनरेट कर लिया था ठीक है लेवल जनरेट हो चुका था देन हम लोग इसके ऊपर मैनिफेस्ट करेंगे मैनिफेस्ट का मतलब ये है कि जो जो लेबल्स आप लोगों ने क्रिएट किए हैं हम लोग उनको उनकी शिपिंग पे करते हैं ठीक है अब इसके ऊपर क्लिक करके हम लोग करेंगे मैनिफेस्ट पैच को, को के ऊपर क्लिक करेंगे ठीक है वो कह रहा है ठीक है मैं कंफर्म कर रहा हूँ जी जी ये चीज़ है हम लोग करेंगे yes। यस यस के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो हम लोगों ने किया हुआ ऑर्डर वो मैनिफेस्ट हो जाएगा यानी कि वो कंसिडर हो जाएगा मैनिफेस्ट के लिए ठीक है आप लोग देख सकते हैं हमारे पास ये ऑर्डर आ चुके हैं जो हम लोगों ने मैनिफेस्ट किए हैं देखिए है, हमारे पास ये टाइम आ रहा है ठीक है और उसके बाद डेट आ रही है उसके बाद ऑर्डर कितने हम लोगों ने मैनिफेस्ट किए एक किया है और इसकी प्राइस हमें कितनी पड़ रही है टू टू वन पाउंड का हमें ये एक ऑर्डर पड़ा हुआ है शिप के लिए ठीक है और इसका ऑर्डर नंबर आ रहा है और ये स्टेटस देखो कंप्लीट हो तो आप लोग अब अब इसे ये वाले ऑर्डर्स का इस ये वाला जो लेबल है इसको इसके टेम्पर ग्लाक के साथ अटैच करेंगे और दैन इसको शिपिंग कुरियर को सेंड दे के आएँगे वो नई नई पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक जहाँ पे उसकी लोकेशन है बायर की उसे सेंड कर देगा जहाँ पर उसने सेंड करना होगा तो होप गाइस आप लोगों को अंडरस्टैंड होगा किस तरह हम लोग ऑर्डर को प्रोसेस करते हैं और उसे शिप करते हैं तो किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए आप कमेंट डाउन कर सकते हैं मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मई यूट्यूब चैनल तो काफ़ी मेहनत लगती है आप लोगों को ये लाइव प्रैक्टिस करने में दिखाने में आप लोगों को ये चीज़ें समझाने में एक एक पॉइंट को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ ताकि कि मेरी ऑडियंस को किसी किस्म की कोई दिक्कत महसूस ना अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट डाउन में या मुझसे लिकडिन में या फेसबुक के थ्रू मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं बने रही है चैनल के साथ मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो में इजाजत दीजिए टिल देन अल्लाह हाफिज़